explode into two pieces of m1 m2 which move in opposite direction with velocity, the ratio of their kinetic energy, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे करने में इसको गलती करते हैं। कहता है एक स्टेशनरी पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है, अगर इसके दो पीस हुए, एक पीस इधर जा रहा है v1 से जिसका मास m1 है, और एक पीस जस्ट इसके अपोजिट जाएगा जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर दो पीस है, तो दो पीस में ब्रेक हुआ तो ठीक है। देयर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना, चलो पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी लिखो, पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी e1, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी e2, दैट इज द हाफ m1, और ये v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m2, और ये v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ने हाफ को काट दिया, मतलब m1 अपन m2, m1 अपन m2, और v1 अपन v2 का होल स्क्वायर, v1 अपन v2 का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा v1 अपन v2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें हमें देखो मास के टर्म में लिखना है, वेलोसिटी भी है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी जीरो होगा, फाइनली जीरो तभी होगा जब इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो इधर का मोमेंटम हो गया m1 v1 और इधर का मोमेंटम हो गया m2 v2, इसका मतलब ये हुआ कि v1 अपन v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m2 अपन m1 के इक्वल आ जाएगी, मोमेंटम कंजर्व करा दिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे m1 अपन m2 और मल्टीप्लाइड बाई v1 अपन v2, मतलब m2 का स्क्वायर अपन m1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि m2 अपन m1 का फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो काइनेटिक रेशियो जो है m2 अपन m1 के इक्वल होगा, है ना, m2 अपन m1, दैट इज द ए ऑप्शन सही है, ठीक है।